नमस्ते बच्चों, क्लास फर्स्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट तीन हमने पढ़ा, उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो है, उसको हम एक बार देखेंगे। टुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसका नाम ननकू था। ननकू खूब बातें करता था। उसके दोस्त थे दो बगुले। एक बार खूब गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा। तीनों दोस्त परेशान हो गए। बगुलों ने कहा, घबराओ मत ननकू, हम तुम्हें ले जाएंगे। तुम इस डंडी को अपने मुंह से पकड़ लो, बस तुम बातें मत करना। लोगों ने देखा कि कछुआ कैसे उड़ा जा रहा है। वे हंसने लगे। लोगों को हंसते देख ननकू को गुस्सा आ गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुंह से डंडी छूट गई। बताओ फिर क्या हुआ? हाँ जी बच्चों, तो आपने ये छोटी सी कहानी देखी, बातुनी कछुआ। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट चार स्टार्ट करेंगे। ननकू जो था वो बहुत बातुनी था। उसके मित्र जो थे हंस, उन्होंने उसे कहा, बगुलों ने, कि तुम रास्ते में बोलना मत, हम तुम्हें इस तालाब से दूसरे तालाब ले चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ननकू तो बहुत बातुनी था। उसने एक गांव के ऊपर गुजरते हुए जैसे देखा कि लोग नीचे से हंस रहे हैं, उसे लगा कि मुझ पर हंस रहे हैं। उनको जवाब देने के लिए उसने क्या किया, जैसे ही मुंह खोला वैसे ही वो नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि हमें अपना मुंह बिना मतलब, जहां हमें आवश्यकता नहीं हो वहां हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, अर्थात जहां आवश्यकता हो वहीं हमें बोलना चाहिए। अपनी बोली को अनमोल रूप में रखकर हमें जितना आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोली बड़ी ही अनमोल होती है। तो यहाँ पर उसे क्या हुआ, ननकू कछुए को अपना नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से हमें कभी भी बिना मतलब या जहां आवश्यकता हो नहीं हो वहां ना बोलकर हमें अपना मोल नहीं खोना चाहिए, हमें अपने आप को अनमोल बनाकर रखना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ पे जैसा कि हमें संयुक्त व्यंजन, पाठ चार, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि संयुक्त व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं, ये तो हमने पहले जान लिया। अब व्यंजन भी क्या है, जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर एक व्यंजन बनता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने पढ़ा तो है बारह खड़ी में वर्णमाला में छत्र ज्ञ और श्र, इन शब्दों को हमने पढ़ा है। लेकिन हमें इन व्यंजन, ये व्यंजन कैसे बने हैं हमें इनका मालूम नहीं है। क्ष क्ष शब्द कैसे बना बच्चों, क और श, क प्लस श प्लस अ, स्वर मिलकर पूरा क्ष बनता है। आपको ये तो मालूम है कि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं है जब तक उसमें स्वर न मिले। इसे हम हलंत के रूप में लिखते हैं, क प्लस श प्लस अ, क्या बना, क्ष। अब है त्र, त प्लस र प्लस अ, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, त्र। बोलने से ही पता लग रहा है त्र मिला, त्र कैसे बना, त और र मिलकर। अब कंफ्यूजन रहता है ज्ञ में, ज्ञ को हम ज के रूप में बोलते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण है ज, ज प्लस य प्लस अ, क्या बना, ज। श्र, श प्लस र प्लस अ, क्या बना, श्र। चलिए अब हम इन चित्रों को पहचान कर इन शब्दों को देख लेते हैं कि क्या बना हुआ है चित्र। क्षत्रिय, क्या लिखा हमने, क्षत्रिय। त्रिशूल, त्रिशूल। ज्ञानी, ज्ञानी। श्रमिक, श्रमिक।
अब इनके शब्दों को देख लेते हैं। क्ष शिक्षा, लक्षण, अक्षर, परीक्षा। त्र सत्र, इत्र, मित्र, पुत्र। ज्ञ आज्ञा, ज्ञानी, अज्ञात, विज्ञान। श्र श्रोता, श्रवण, श्रमिक, परिश्रम। अब इस छोटे से हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जिसमें ये सारे शब्दों का उपयोग किया गया है। मेरा नाम दक्ष है और मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश कुमार है। मेरी माँ का नाम श्रीमती क्षमा है। पिताजी मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं और मेरी माँ मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। मैं अच्छे अंक लाने के लिए बहुत परिश्रम करता हूँ। दादाजी मुझे पत्र लिखकर ज्ञान की बातें बताते हैं। यहाँ तक हम सबने जाना कि जितने भी ये सारे व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन, इनका प्रयोग कैसे करना है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें बोलना भी है और साथ साथ में पेंसिल से लिखना है, आप जैसा कि हमेशा हर पाठ में करते हैं। पहला शब्द है त्रिशूल, अक्षत, दीक्षा, चित्र, अक्षय, यज्ञ, ज्ञानवान, विज्ञापन, त्रिफला, श्रद्धालु, श्रोता, विज्ञान। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि संयुक्त अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, इन्हें कैसे बोला जाता है, उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है और इसे लिखना भी शुद्ध लिखना आवश्यक है। आज हमने यहां तक जाना। इसके बाद हम अगले वीडियो में जान पाएंगे कि इसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट कैसे करना है। तो नमस्ते बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।